नमस्कार दर्शकों, कैन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पंखा जोर थाना अंतर्गत कापसी निवासी उज्जवल मंडल और जवा मंडल द्वारा अपने सौतन के ऊपर 2022 में मिट्टी तेल डालकर लाइटर से आग लगा दिया था, जिसके बाद जलती अवस्था में पानी में कूद गई थी। आग लगाकर दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद कांकेर पुलिस द्वारा 5,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने दोनों आरोपी को धर दबोचा और जेल भेज दिया गया। आरोपी पर 307 धारा लगाया गया है, जिस पर पंखाजूर एएसपी प्रशांत शुक्ला द्वारा बताया गया कि फरार आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। 22 के मामले में पुलिस को एक सफलता मिली, क्या जानकारी है? दिनांक 28/3/2022 को एक यहाँ पर घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थिया सविता मंडल, पति उज्जवल मंडल ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके पति उज्जवल मंडल और उसकी सौतन जबा मंडल दोनों मिलकर मिट्टी तेल उसके ऊपर डालकर उसे आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किए थे और वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी। और इसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में अपराध क्रमांक 35/22 धारा 307/34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और घटना कारित कर दोनों आरोपीगण फरार हो गए थे और उनकी सरगर्मी से पता चला थाना पखांजूर पुलिस कर रही थी। और इसी क्रम में हमें सफलता मिली कि दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया कापसी उनके गृहग्राम से और उसको रिमांड पर भेजा गया। थैंक यू सर।